बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दिस इज़ मिस सहर हेयर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल। इट्स सोशल स्टडीज़ टाइम। टुडे बेटा, एज यू नो, वी हैव ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड आर ऑल लेसन्स फॉर रिविजन। ओके, जितने भी यूनिट्स आपकी आउटलाइन में गिवन थे बेटा, वो तमाम हम कम्प्लीट कर चुके हैं रिविजन में। सो नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू टुडे? येस बेटा, वी आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न दैट हाउ यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एग्ज़ाम्स। हम किस तरह बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स के लिए ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वाइल वी आर प्रिपेयरिंग आर सेल्फ फॉर एग्ज़ाम, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग्स। ऑलराइट, सो सोशल स्टडीज़ के पेपर में सबसे आसान चीज़ होती है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, रॉन्ग स्टेटमेंट्स। रॉन्ग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? जिनको करेक्ट करके रीराइट आपको करना होता है। ये मैंने रिवीजन वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था। आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइजेस इस तरह हुई हैं बेटा, जिसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके रीराइट करना होता है। ऑलराइट, इसी तरह कुछ एक्सरसाइजेज आपके पास मैप बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं। मैप बेस्ड एक्सरसाइजेज कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी क्लास में मैं बात करूं, तो उसमें कुछ आपको मैप्स गिवन है जिसको आइडेंटिटीफाई करके आपको कुछ कंट्रीज़ या रीजन्स के नेम्स लिखने हैं। तो दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज आर कॉल्ड मैप बेस्ड एक्सरसाइज। ओके, ये तमाम ऑब्जेक्टिव बेटा ईजीएस्ट टू लर्न होते हैं, इसलिए हमें सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में हमारे 100% मार्क्स आएँ। ऑलराइट, देन वी शुड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, उसकी कुछ एग्जांपल्स बेटा मैं बता रही हूँ आपको। राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज सराउंडिंग साउथ एशिया। अब कॉन्टिनेंट्स आपको पता है, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि आपसे 2 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो पेपर में भी आप सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट्स के ही नाम लिखेंगे बेटा। एंड देन द कंट्रीज सराउंडिंग साउथ एशिया, साउथ एशिया को जितनी कंट्रीज सराउंड करती हैं उन तमाम के नेम्स बेटा आपको लिखने हैं। तो दिस इज दीज बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। The example of long question is write about the importance of Pakistan in regarding to its location in South Asia. So these kind of questions are long, और इनकी preparation हम कम करते हैं, सबसे end में करते हैं। Got it? इसके अलावा आपके question paper में बेटा इन तीन चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ social studies में नहीं आती है। Alright? अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप प्रिपरेशन तो बेटा बहुत अच्छी करके जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में मार्क्स कम आ जाते हैं। ऐसे ही होता है, तो वो मार्क्स क्यों कम आते हैं, वो कौन सी ऐसी जनरल मिस्टेक्स होती है बेटा जो आप अपने जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम करते हैं? उसमें सबसे पहली क्या चीज़ होती है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट किस चीज़ को कहते हैं बेटा? कि जैसे ही सबसे पहले पेपर आपके हाथ में आए, आपने दुआ पढ़ने के बाद पेपर जब अटैम्प्ट करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले अपना टाइम मैनेज कर लें कि इतना टाइम ड्यूरेशन में मैंने अपना ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट करना है, और उसके बाद या फिल इन द ब्लैंक्स अटैम्प्ट करनी है, और उसके बाद इसको इतने टाइम जो है ना मुझे रीचेक करना है। अपने पेपर में रीचेकिंग के टाइम को हमेशा मैनेज किया करें, क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है कि आप लेस देन हाफ टाइम में भी पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं, या समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका टाइम निकल जाता है और आपका पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाता। तो दोनों ही सूरतों के लिए बेटा ख़ुद को प्रिपेयर करें इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसको प्रिपेयर करें कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आपने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, फिर उसको रीचेक भी करना है बेटा। ट्वाइस थ्राइस क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करें, ट्वाइस थ्राइस अपनी आंसर शीट को रीड आउट करें, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व करते हैं हम चेकिंग में कि बहुत हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स भी कोई सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं। जब उनसे बाद में बुला के पूछा जाता है तो वो क्वेश्चंस, वो आंसर्स उनको लर्न होते हैं, सब होता है, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो एग्ज़ाम्स में डिडक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देन द मोस्ट इन कॉमन मिस्टेक इज़
दैट इज़ रॉन्ग क्वेश्चन नंबर यू पुट इन द कॉपीज. आप क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली ऐसा होता है कि आप क्वेश्चंस नहीं लिखते हैं कॉपी में. अच्छा देखिए, क्वेश्चन ना लिखने की वजह क्या होती है कि आपके पास टाइम नहीं है. तो सोशल स्टडीज़ के पेपर में नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आपको टाइम ना मिले. तो कोशिश ये करें कि आप क्वेश्चन को राइट करें और फिर उसका आंसर लिखें, मीन्स आंसर शीट में क्वेश्चन को कॉपी डाउन करें. लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे बेटा, तो भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल ठीक कॉपी डाउन कर रहे हो. यानी कि आप अपनी कॉपी की सीक्वेंस नहीं बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बल्कि आप कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में, आप वही क्वेश्चन नंबर डालेंगे जो आपकी क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा. ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आपका आंसर चाहे बिल्कुल ठीक हो लेकिन क्वेश्चन नंबर रॉन्ग लिखने की वजह से आपका पूरा आंसर बेटा रॉन्ग हो जाएगा. तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा कि राइट क्वेश्चन नंबर आप डाल रहे हो. देन बेटा, यू मोस्ट प्रोबेबली राइट द रॉन्ग स्पेलिंग्स. अच्छा, नॉर्मली ऑब्जर्व क्या किया गया है कि आप लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो लर्न कर लेते हैं स्पेलिंग्स उनकी, लेकिन जो ईजी होते हैं ना उनकी स्पेलिंग्स को लर्न नहीं करते. और कुछ स्पेलिंग्स जो सोशल स्टडीज़ में आप लाजमी कर रहे होते हैं उसमें इन्वायरमेंट की और गवर्नमेंट की स्पेलिंग्स ऐसी हैं जो हर मोस्टली तमाम स्टूडेंट्स करते हैं. दैट इज़ गवर्नमेंट एंड इन्वायरमेंट. क्योंकि हम उसे प्रोनंस गलत करते हैं इसीलिए उसकी जो है वो हम लिखते भी उसको गलत है. हम प्रोनंसिएशन करते हैं गवर्नमेंट और इन्वायरमेंट को कहते हैं इन्वायरमेंट, इसलिए हम दोनों के एन नहीं लिखते. तो इसको मेक श्योर कीजिएगा कि ये दोनों स्पेलिंग्स आपकी रॉन्ग ना हो बेटा. नाउ यू कैन सी द आंसर शीट वेयर यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द आंसर्स. ये फ्रंट पेज है बेटा आपकी आंसर शीट का, जिसमें आपको डेटा फिल करना है, नेम, रोल नंबर, सेक्शन एंड क्लास, सब्जेक्ट लिखना है. इसमें बेटा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स का कॉलम. तो जितनी सप्लीमेंट्स आप अटैच करेंगे बेटा उसके नंबर ऑफ सप्लीमेंट, यानी कि आपने 1 सप्लीमेंट ली, हाफ सप्लीमेंट ली, 2 सप्लीमेंट्स ली, उनके नंबर्स आपको ज़रूर पुट करने हैं. फ्रंट पेज आंसर्स लिखने के लिए हम कभी भी यूज़ नहीं करते बेटा आंसर शीट का. आप हमेशा नेक्स्ट पेज से आंसर्स लिखा करें. ऑलराइट बेटा, इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड टुडे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.